नमस्कार दोस्तों, वेलकम चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। मुझे नहीं पता आप लोग इस बात से कितने अवेयर हैं कि जैसे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल पे कुछ स्टेप्स लेना चाहती है, इनकरेज कर रही है कि भैया ज़्यादा बच्चे पैदा मत करिए। यूपी गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाली कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपका सिर्फ एक ही बच्चा है, और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे सिर्फ आपका दो ही बच्चा है, और क्या क्या नुकसान है जो अगर आपके दो से ज़्यादा है। तो भारत के राज्य लगे हुए हैं कि किसी तरीके से आबादी को कम किया जाए। भारत कलेक्टिवली सेंटर भी लगा हुआ है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, ये पॉपुलेशन ब्लास्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो जिससे रिसोर्सेज बट रहे हैं और सही लोगों तक सही चीज़ नहीं पहुंच पा रही है। या फिर जैसे होता ना कि एक केक है उसके इतने ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं कि लोग कई लोग भूखे भी मर जा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे केक ही बड़ा कर दो, केक बड़ा करने में समय लगेगा, लेकिन अभी जो उस वो हिस्सा है उस पर जितने लोगों का हक है कम से कम उसको ना मारा जाए, वो भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ कोशिश ही की जा रही है कि साउथ के एक स्टेट केरला नामक, साउथ में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अब तो नॉर्थ पंजाब में भी चल रही हैं। क्रिश्चियन बॉडी का क्या कहना है आप जरा एक बार सुन लीजिए। कैथोलिक चर्च अनाउंसेस वेलफेयर स्कीम फॉर फैमिलीज हैविंग 5 or more children। ये 26 जुलाई की न्यूज़ है। इन रिसेंट ईयर द बर्थ रेट इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी हैज़ डिक्रीज्ड टू 14%। आर्च बिशप का कहना है कि भैया बर्थ रेट 14% पे आके गिर चुका है, आप देख सकते हैं, और आप 5 या मतलब बच्चे पैदा करो, हम आपका पालन पोषण का हम इंतजाम करेंगे, हम वेलफेयर स्कीम चालू कर रहे हैं। मतलब लॉजिक देखिए, अगर ये कैथोलिक चर्च वाला आर्च बिशप, उससे मैं पूछना चाहता हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी से पूछना चाहता हूँ, ये वेलफेयर स्कीम की फंडिंग कहाँ से आ रही है? अगर तो वेटिकन सिटी से आ रही है तब तो भाई बाहर का एजेंडा है, भारत को बर्बाद करने का, डेमोग्राफी चेंज करने का, सारे टंटे। अभी क्योंकि कन्वर्जन पे अभी नहीं आया हूँ, जिस तरीके से कन्वर्जन चल रहा है साउथ में और वहाँ पे बंगाल में और पंजाब में, उस पर तो अभी आ ही नहीं रहा हूँ मैं। वो भी एक तरीके का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही है, डेमोग्राफी के चेंज करने का ही तरीका है। अगर उम्र में बड़े बड़े लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे, फिर वो बच्चा पैदा करेंगे वो भी क्रिश्चियन बनेगा, और फिर जिस इंसेंटिव दिए जा रहे हैं बच्चा पैदा करने के, तो जाहिर सी बात है क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ेगी। तो ये लोग तो मुसलमानों से भी एक कदम आगे निकलने की बात कर रहे हैं। और अगर पैसा भारत के टैक्स पेयर्स के द्वारा आप ले रहे हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर रिलीजन को प्रैक्टिस करने की जो फ्रीडम है उसके अंडर में, कि हम ये हमारा रिलीजियस राइट है कि हम अपना रिलीजन प्रोपोगेट करें, बच्चे पैदा करवाएं, लोगों को कन्वर्ट करें, सर इस बात की इजाज़त हिंदू समाज नहीं देता। भारत के नेटिव लोग आपको नहीं अलाउ कर रहे हैं, नेटिव रिलीजन नेटिव धर्म इसके खिलाफ जाएगा। मैं हर उस व्यक्ति से जो अपने आप को हिंदू मानता है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात के अगेंस्ट आप आवाज़ उठाइए, आप जहाँ भी हैं जिस राज्य में हैं कलेक्टिवली आवाज़ उठाइए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम हैं और आपके रिसोर्सेज पे दूसरे लोग कब्जा करने के लिए वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं। टैक्स हम भरें, बच्चे पैदा वो करें, उसके लिए उन्हें फंडिंग दी जा रही है। यहाँ योगी सरकार स्कीम निकाल रही कि कम बच्चे पैदा होंगे तो आपको ये प्रमोशन, वो बढ़ोतरी, ये सुविधाएँ, वो सुविधाएँ, मतलब कम बच्चों पर आपको सुविधाएँ दी जा रही हैं, मोटिवेट किया जा रहा है कि कम बच्चे पैदा करिए, और यहाँ भाई मोटिवेट किया जा रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, हम उसके पैसे देंगे। तो क्या ये राज्य के अगेंस्ट द्रोह नहीं है? क्या ये राजद्रोह नहीं है? क्या इन लोगों पर आंसुका नहीं लगनी चाहिए? आप ये समझिए ना, ये पूरी प्लानिंग है ना डेमोग्राफी बदलने की। मुसलमान भी वही करते हैं, रिलीजियसली कन्वर्ट करेंगे, लव जिहाद करेंगे, 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करेंगे, और उनको भी अरब वर्ल्ड से और इस्लामिक वर्ल्ड से पैसे आते हैं, मदरसे को, मस्जिदों को, क्या फ़र्क रहेगा? ये सब जो सारी अब्राहमिक रिलीजन है ये दीमक की तरह हमें खाने में लगे हुए, और हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा हम सेकुलरिज्म की थाली बजा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इस बात को फेस करिए, सीखो, समझिए, कन्फ्रंट करिए, ये दीमक हैं, और इनके मुंह पे बोलिए, इनसे तर्क करिए। और अगर ये कहें कि रिलीजन को प्रोपोगेट करने का हमारा रिलीजियस राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो और इस बात के लिए हमें कुछ इंटरप्ट नहीं करना चाहिए उनकी हरकतों को, तो भाई ये आपका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप भी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस की, धार्मिक प्रैक्टिस, रिलीजियस नहीं बोलूँगा, हिंदू भी अपनी धार्मिक प्रैक्टिस करे और अधर्म को रोके। ये तो हमें कहा गया ना हमारे धर्म ग्रंथों में, अधर्म को होने से रोकना ही सबसे बड़ा धर्म है भाई, पुण्य का काम है, तो अधर्म ये हो रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी अगर नेशन वाइज आ भी गया, स्टेट वाइज आ भी गया, लागू हो भी गया, इम्प्लीमेंट हो भी गया, तो सबसे बुरा असर, क्योंकि ये सब साले तो विक्टिम कार्ड खेल के निकल जाएंगे, हम माइनॉरिटी हैं, हमें प्रोपोगेट करने दो, हमें एक्सपेंड करने दो, हमें राइट्स दो, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है ना, यूएन में चले जाएंगे रोते रोते,
और सब कुछ लागू हो जाएगा हिंदुओं पे। हिंदुओं की आबादी वैसे भी घट रही है, वैसे भी हिंदू भाई देखो हिंद जिसका अपना देश है उसको पता है कि हम आबादी बढ़ाएंगे तो नुकसान भारत राष्ट्र का होगा, नुकसान अखंड भारत का होगा, नुकसान हिंदू राष्ट्र का होगा। अगर हम आबादी बढ़ाते हैं हमारे अपनों का नुकसान होगा। उनको पता है वो दो पे ही सीमित है, कहीं कहीं एक पे ही सीमित है, ठीक है। अगर ये सब लागू होने लग गया तो इसको सिर्फ मॉनिटर किया जा सकेगा हिंदुओं पे। क्या सरकारें ये कह पाएंगी, आश्वासन दे पाएंगी कि इसका स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ पे भी होगा और पनिश किया जाएगा, इसका भी प्रावधान होना चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर किसी ने यहाँ तक देख लिया है, अगर आपको चिंता है कि आपके भारत में आपके टैक्स पे अधर्मी लोग ना पलें, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरी बात दूर तक पहुँचाइए। किसी भी तरह कॉन्ट्रीब्यूशन करना ताकि मैं ऐसा काम करता रहूँ ना रुकूँ, तो प्लीज़ यहाँ दिख रहा है आप कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।